गाली गलौज करता है सरकारी जमीन पर, 91 कटाकर साइन न करे तो सरपंच पर केस लगाता है क्या, उस पर सरकारी कब्जा ही देते क्या हमारा ही? ये भी एसडीएम कहते तो दे देते हैं। क्या बात हुई है? रोज माइक चलाता साहब, बंद करने की कह देता है तो धमकियां देता है, एसी एसटी का केस लगा दूंगा तुम्हारे यहाँ कर दूंगा। गाली गलौज करता है सरकारी जमीन पर, 91 कटाकर साइन न करे तो सरपंच पर केस लगाता है क्या, उस पर सरकारी कब्जा ही देते क्या हमारा ही? ये भी एसडीएम कह दे तो दे देते हैं, आज ही नहीं साइन करे सरपंच तो यहाँ मुकदमा करा देता है। ये कौन सी एसी एसटी होगी उसके? हर आदमी को धमकी दे रहा, हर आदमी का अंत ले लिया इसने, किसी को भी बाकी, जो किसी का तो हाथ भाड़ा उठा रहा है, किसी का क्या हटा रहा है, बनी बनाई डोले को हटा रहा है, ये कौन सा सर से गए काम में? क्या ठाकर हो गया क्या सबका? ये धमकी देता पूरा गांव को ले बेटा यार, किसी साथ में कार्रवाई नहीं होती, जो हमारी साथ में तो कार्रवाई होती है कहने से ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानू राम चौधरी है। और उसका जो भांजा है योगेश बनावत, वो ग्राम के किसी भी आदमी पर एसटीसी केस लगाने की जबरदस्ती वो कोशिश करता है, और कोई काम होता है तो उसमें बाधा उत्पन्न करता है, और ग्रामीण को सभी को परेशान करता है, और नाजायज हर काम में उनको बाधा उत्पन्न करता है, वो सभी ग्रामीणों को परेशान करता है सर, और ग्राम पंचायत के किसी भी काम में, हर काम में वो बाधा उत्पन्न करता है, और किसी समझाने पर बताने पर वो एसटीसी के केस की धमकियाँ देता है। आपकी क्या मांग है? हमें कि सर ऐसे आदमियों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए, और आम आदमी को राहत पहुंचानी चाहिए, और ऐसे आदमी को जिन्हें जो सही काम हो रहा है उसमें भी बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम सभी ग्रामीण एक साथ एकत्रित होकर यहाँ आए हैं एसडीएम साहब को 10,000 ज्ञापन देने के लिए कि ऐसे आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके सभी आमजनों को राहत पहुँचाई जाए। आपका नाम? बाबूलाल मालिक।